तो आज का दिन बारात का दिन बहुत बिजी होने वाला है। सबसे पहले तो सुबह सुबह गाड़ी को कार वॉश पे पार्क किया, इसी दौरान मोटरसाइकिल पे बैठ के तो गए हैं सैलून पे शेव वगैरह करवाने के लिए, ताकि थोड़ा टाइम की बचत हो जाए। उसके बाद शहर भी जाना है, तो जब सैलून पे गए तो उधर काफ़ी अपने लड़के ही बैठे हुए थे सारे, जुनेद था, करमदा था, हमजा था, बिलाल था। तो इधर तो काफ़ी बिजी चल रहा है, तो जिशान भाई और इश्तियाक भाई ने फिर हजाम को घर पे ही बुला लिया था, ताकि वो उधर घर पे ही शेव वगैरह करवा लें, फिर उनको थोड़ा टाइम की बचत हो जाएगी, क्योंकि सर्दियों में दिन बहुत छोटा होता है। तो देखते ही देखते 12-1 बज गए थे। उसके बाद फ़ारग होके हम गए हैं फिर शहर में हार लेने, मैं और करमदाद उधर पहले ही सारे अपने पहुंचे हुए थे हार लेने। उसके बाद जी गाड़ी तैयार होके आ गया, तो अभी बस तैयारी शुरू जाने की। तो ये अहमद यार साहब तैयार हो गए हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो ये जी बारात निकल आई है, अभी दरबार पे सलाम करके आते ही फिर निकल आए हैं सारे बारात के लिए। तो 3 बज गए हैं निकलते निकलते ही, इकट्ठे होते होते ही। बहुत बिजी दिन था, सब कुछ जल्दी जल्दी कर रहे थे, लेकिन फिर भी निकलते निकलते बहुत लेट हो गया था। माशाल्लाह बहुत बड़ी बारात थी, बड़ी रौनक थी। तो अभी हम पहुंच आए हैं जी गुजरात। ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। तो ये जी निकाह होते ही फिर मिलने वाले जो हैं वो मिलना शुरू हो गए हैं अहमद यार भाई को। तो ये एक फैमिली फ़ोटो बहुत प्यारी सी, और ये मेरे भाई इंग्लैंड से चौधरी तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। तो ये जी आज का दिन था, बड़ी खुशी से खुशी गुजर गया, बड़ी रौनक वाला दिन था। तो अभी हम जा रहे हैं जी घर, देखने के लिए बहुत शुक्रिया।